जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल में डेटा को फिल्टर करना और सॉर्टिंग करना बताएंगे। डेटा फिल्टर क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर एक सीट दे रखी है, सैलरी सीट। इसमें आपका एम्प्लॉय का नाम, पोस्ट, सैलरी और पीएफ, उनका इंक्रीमेंट, टोटल, ये सारी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। अब यहाँ पे जैसे हम चाहते हैं इसमें मैनेजर जितने हैं वो एक साथ फिल्टर हो जाएँ, मतलब एक साथ दिखें, प्यून जितने भी हों एक साथ दिखें, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पर जो आपको रो दिख रही है इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी जो आपका फील्ड है यानी हेडिंग है सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम डेटा मेनू पे आएंगे और फिल्टर, और फिल्टर करने की शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल शिफ्ट एल, यानी कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करें या फिर डेटा पर आकर ओनली फिल्टर पर क्लिक कर दें तो आप देखेंगे यहाँ पर आइकन कुछ बन गए हैं यहाँ पर ये। तो इन आइकन के द्वारा हम डेटा फिल्टर कर सकते हैं, जैसे पोस्ट यहाँ आइकन पर क्लिक किए और यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेंगे सिलेक्ट आल, सिलेक्ट आल को हटा दिया। अब इसे हम इसमें कह दें इसमें मैनेजर पोस्ट जितने हों वो एक साथ फिल्टर हो जाएं। तो जैसे ही ओके करेंगे तो इसमें देख लीजिए आप मैनेजर कितने भी कैंडिडेट हैं, वो सभी कैंडिडेट आपके फिल्टर होके आ गए। अब फिल्टर हम यहाँ से हटा देते हैं। अगर हमें यहाँ पर देखना है कि 2500 से ज़्यादा इंक्रीमेंट हो या 2400 से कम, तो इसके लिए फिर से वही हेडिंग पर क्लिक करेंगे और फिल्टर पर जाएँगे। अब यहाँ पे हम जैसे कह दें इसमें 2500 से कम ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनका इंक्रीमेंट 2500 से कम हुआ है, तो जो नंबर में कंडीशन देना होता है तो नंबर फिल्टर पे आके हम, अगर कम का है तो लेस देन, ज़्यादा का देखना है तो ग्रेटर देन, तो लेस देन पे हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं 2500। ओके कर देंगे तो इसमें वो कैंडिडेट आएंगे जिनका पी एफ 2500 से कम है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये आपका होता है डेटा फिल्टर करना। ऐसे जैसे इसमें हम कह दें इसमें अविनाश नाम के कितने कैंडिडेट हैं, तो यहाँ एम्प्लॉय नेम पर आएंगे और सिलेक्ट आल को हटा के अब जो भी नाम आप पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे वहाँ से वही नाम यहाँ पर दिख जाएगा। कंट्रोल जेड से अंडू करते हैं। अब जैसे हम इसको फिल्टर कर सॉर्टिंग करना चाहें, सॉर्टिंग क्या होता है कि डेटा को एक ऑर्डर से यानी एक क्रम से लगाना, वो आपका डेटा सॉर्टिंग कहलाता है। तो इसके लिए जैसे यहाँ पे ए और बीच में मान लो एच आ गया, फिर ए यहाँ पे नीचे है, तो हम चाहते हैं ए अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग में एक क्रम से आ जाए, ए वाले एक साथ, बी वाले एक साथ। तो इसके लिए हम ये पहला स्टेप है कि हम यहाँ पर अविनाश पर क्लिक करेंगे, डेटा पर आकर ए टू जेड, यहाँ पे आप सॉर्ट ऑप्शन देख रहे हो, ए टू जेड पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये पूरा डाटा, देख लीजिए कंट्रोल जेड करके देख लीजिए एक बार, पहले आपका अविनाश, अखिल, अमरीश और हरिओम था यानी, और फिर यहाँ पर ए का बाद में था, तो हम अविनाश पर क्लिक करते हैं और डेटा पे आके ए टू जेड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सारे नाम एक ऑर्डर से आ गए, ए वाले एक साथ और बी वाले एक साथ, डी वाले एक साथ। तो इसको हम डेटा सॉर्टिंग बोलते हैं, यानी डाटा, दिए गए डाटा को एक ऑर्डर से अल्फ़ाबेट क्रम से लगाना आपका सॉर्टिंग कहलाता है।